हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। आज हम शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टीओसी। जैसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ टीओसी में थोड़ा बहुत बताया था कि पास्ट में टीओसी कैसे था, मींस टीओसी के बारे में अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों टीओसी सब्जेक्ट अपने सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंस रखता है, एंड देन गेट में कितना इंपॉर्टेंस है, एंड देन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में भी इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी है। तो आज हम देखते हैं कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो कि टीओसी में यूज की जाती है, आप पूरे सिलेबस में देखोगे तो ये टर्मिनोलॉजीज आपके पास बार बार आएगी। तो वो टर्मिनोलॉजीज सबसे पहले अपन क्लियर कर लेते हैं, देन आगे सब्जेक्ट में इसका काम आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज में कि व्हाट इज मीन बाय सिंबल। अभी आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे सिंबल्स आपको दिख जाते हैं डे टू डे लाइफ में। आप अगर कीबोर्ड पे की बात किए जाए तो ए से लेके जेड तक के आपको अल्फाबेट्स दिख जाएंगे, वन से लेके जीरो तक के, वन से लेके नाइन जीरो तक के आपको डिजिट्स दिख जाते हैं, देन उसके बाद में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी दिखते हैं। तो ये सारा का सारा जो भी है ये सिंबल्स में कंसिडर किया जाता है, लाइक ए बी सी डी टू जेड, देन उसके बाद में जीरो वन टू थ्री टू नाइन तक के ये सारे डिजिट्स, देन स्पेशल सिंबल्स। देन अगर आप कभी भी रोड साइड ट्रैवल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, इस तरीके से काफी सिंबल्स दिखते हैं और हर एक सिंबल्स कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है, उसका कुछ मीनिंग होता है। तो वो सारे के सारे जो भी रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं सिंबल्स। सिंबल्स के बाद में हम आते हैं अल्फाबेट्स पे। अल्फाबेट्स को हम बेसिकली शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिग्मा। सिग्मा ये सिंबल आप लोगों ने काफी बार देखा होगा, जब भी अपन सम करते हैं किसी बहुत सारे नंबर्स की तो आप समेशन के लिए इसका यूज करते हो, पर यहाँ पे हम अल्फाबेट्स को हम बोलते हैं सिग्मा। देन सिग्मा का मीनिंग होता है पर्टिकुलर डोमेन्स के सिंबल्स। लाइक अगर मैं बात करता हूँ दिस सेट, ये सेट अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे ए और बी नाम के दो अल्फाबेट्स है और ये दो ही अल्फाबेट्स का ये सेट है। देन उसके बाद में मैं बात करता हूँ इंग्लिश अल्फाबेट्स की, तो इंग्लिश अल्फाबेट्स का एक डोमेन होता है जहाँ पे ए बी से लेके अपन जेड तक के यहाँ पे कैरेक्टर्स जो है वो यूज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करता हूँ बाइनरी सेट्स की, बाइनरी अल्फाबेट्स की, बाइनरी अल्फाबेट्स में अपन जीरो एंड वन के अलावा कुछ यूज नहीं करते, दैट्स वाई जीरो एंड वन यहाँ पे ले लिए। अगर मैंने बात करता हूँ कि कुछ डेसिमल नंबर्स की, तो डेसिमल नंबर्स में आप लोगों को पता है कि जीरो से लेके नाइन तक के डिजिट यूज करते हैं और इसका फिर अपन बहुत सारे बार रिपीटेशन भी कर सकते हैं, एंड कोई भी डेसिमल नंबर अपन इससे बना सकते हैं। तो ये जो सेट्स होते हैं इसको हम बोलते हैं अल्फाबेट्स, जो कि हम यूज करेंगे हमारे सब्जेक्ट में एज ए इनपुट। अगर मैं बोलता हूं इनपुट ए एंड बी, तो ए एंड बी का ही इनपुट लिया ले जा सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई कैरेक्टर मैं यूज नहीं कर सकता। अगर मैं बात करता हूं इनपुट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स की, तो यहां पे ए से लेकर जेड तक के मैं यूज इनपुट अल्फाबेट्स लूंगा, इसके अलावा मैं किसी का इनपुट नहीं लूंगा। देन ये तो बात हुई अल्फाबेट्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग्स क्या होती है? स्ट्रिंग्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एनी नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। अपन ने अभी देखा था कि अल्फाबेट्स क्या होते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। अभी इस अल्फाबेट्स को अगर मैं बार बार यूज करूँ या एनी नंबर ऑफ टाइम्स अगर मैं यूज करूँ तो मेरी जो बनेगी उसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग। ये मुझे आउटपुट में मिलता है स्ट्रिंग। देन यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल, अगर इनपुट अल्फाबेट्स है ए और बी, सिग्मा इक्वल्स टू ए एंड बी, मीन्स ए और बी मेरा इनपुट है, इसके अलावा मैं कोई भी अल्फाबेट्स यूज नहीं कर सकता, और ए और बी का यूज करके मैं कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बना सकता हूँ, तो कहना है गाइस मैं इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स जो है यहाँ पे बना सकता हूँ। देखिए ए और बी का यूज करके मैंने बनाया ए ए बी ए बी बी ए बी ए बी बी ए, लाइक दैट मैं ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स यहाँ पे बना सकता हूँ और इसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग्स। फिर से एक बार डेफिनेशन को लेकर देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट एनी नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। यहाँ पे मैंने देखिए दो ए यूज किए हैं और एक बी यूज किया है, यहाँ पे आप देख सकते होंगे दो बार मैंने बी यूज किया है, एक बार ए यूज किया है। तो इस तरीके से मैं नंबर ऑफ टाइम्स अल्फाबेट्स को यूज कर सकता हूँ और जो भी मेरा एक बनेगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग। आगे आते हैं गाइस, आगे अपन पढ़ते हैं लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज की बात करते हो तो काफी सारे लैंग्वेजेस आप लोगों को पता है, लाइक इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती। तो इस लैंग्वेजेस को बनाने के लिए लगते हैं अल्फाबेट्स
और अलग अलग अल्फाबेट्स है, लाइक हिंदी के अल्फाबेट्स कुछ अलग होते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स कुछ अलग होते हैं, लाइक दैट यहाँ पे भी कुछ लैंग्वेजेस अगर मुझे बनानी है तो उसके लिए अल्फाबेट्स का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये बाइनरी अल्फाबेट्स इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं डेसिमल अल्फाबेट्स, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स एक से लेके जेड तक के। तो इस तरीके के अल्फाबेट्स यूज करके मुझे कुछ मीनिंगफुल स्ट्रिंग्स बनानी है। आप डेफिनेशन में देख सकते हो, अ लैंग्वेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स ऑन अ गिवन सर्टन कंडीशन, मीन्स स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन मुझे करना है बट उस स्ट्रिंग्स पे कुछ कंडीशन अप्लाई की रहेगी। लाइक यहाँ पे जैसे हम रैंडम स्ट्रिंग्स बनाते थे, यहाँ पे हम ऐसे नहीं बना सकते, उस पे कुछ कंडीशंस रहेगी। इस कंडीशंस कैसे कंडीशंस रहेगी अपन यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल में। यहाँ पे आप देख सकते होंगे लैंग्वेज वन एग्जाम्पल वन में हम देखते हैं कि सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ टू, मीन्स यहाँ पे मैं बात करता हूं कि हर एक स्ट्रिंग जिसकी लेंथ जो है वो टू हो। यहाँ पे फिर से मैं कंसीडर कर लेता हूं इनपुट अल्फाबेट्स इक्वल्स टू ए एंड बी, ठीक है, ए और बी मैंने इनपुट अल्फाबेट्स कंसीडर कर दिए। अभी ए और बी का यूज करके मुझे ऐसी स्ट्रिंग्स बनानी है जिसकी लेंथ जो है वो टू रहे। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स बनी है ए ए ए बी 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 ए। नाउ आप लोग सोचिए कि इसके अलावा कुछ स्ट्रिंग्स बन सकती है क्या जिसकी लेंथ जो है वो टू रहे यूजिंग दिस टू अल्फाबेट्स ए एंड बी। तो इसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग्स ऐसी नहीं बनेगी। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे एक सेट बना है जहां पे चार एलिमेंट्स है। तो कहने से गाइस जहां जिस सेट के एलिमेंट्स अगर काउंटेबल हो तो इस काउंटेबल एलिमेंट्स इस सेट को हम बोल सकते हैं फाइनाइट सेट, क्योंकि यहाँ पे जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इसके अलावा या इस सेट में कुछ आने वाला है क्या गिवन कंडीशन पे? नहीं आने वाला। दैट्स व्हाई ऐसे सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट, ठीक है गाइस। जिस लैंग्वेज का यूज करके मैंने ये फाइनाइट सेट बनाया है और जहां पे मैं काउंटेबल एलिमेंट्स मेरे सेट में आ रहे हैं, तो कहना गाइस इस लैंग्वेज को हम बोलते हैं फाइनाइट लैंग्वेज। ठीक है, नाउ आप नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल L2 लैंग्वेज 2, सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स स्टार्ट्स विथ ए, मीन्स मुझे ऐसे स्ट्रिंग्स बनानी है जो ए से शुरू हो। ए और बी का इनपुट अल्फाबेट्स मुझे यूज करना है और ए से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग्स बनानी है। काफी आसान है, ए ए बी ए ए बी ए ए ए बी ए ट्रिपल ए बी ए। तो इस तरीके से मैं इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स बना सकता हूं गाइस ए से स्टार्ट होने वाली, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि मुझे इतने नंबर ही स्ट्रिंग्स है, क्योंकि ए से स्टार्ट होने वाली मैं कितनी भी स्ट्रिंग्स बना सकता हूँ, क्योंकि मैं एक ही कैरेक्टर को नंबर ऑफ टाइम भी यूज कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई मेरे पास ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि जहां पे मैं इस जो सेट को है वो एंड कर पाऊं, यानी ये जो सेट है अनकाउंटेबल है, मैं जितना बढ़ाना चाहूंगा उतना बढ़ सकता है। दैट्स व्हाई इस तरीके के सेट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नाउ अगर जिस लैंग्वेज का यूज करके मैं इनफाइनाइट सेट बना पा रहा हूं तो इस तरीके के लैंग्वेज को हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट लैंग्वेज। तो गाइस आप लोग समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेज किस तरीके से होती है। लैंग्वेज यानी जहां पे कुछ स्ट्रिंग्स बनाते वक्त कंडीशन दिया जाए, जैसे यहाँ पे कंडीशन थी लेंथ टू, मेरी स्ट्रिंग की लेंथ टू ही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ कंडीशन है स्टार्ट्स विथ ए, मींस मेरी जो स्ट्रिंग है वो ए से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर बी से कोई चालू हो रही शुरू हो रही है तो उसको मैं पकड़ू अपने सेट में इनपुट नहीं दे सकता हूं, लाइक दैट। इस तरीके का कंडीशन यूज करके मेरे पास कुछ लैंग्वेजेस बनती है। तो इन दिस लेक्चर अपन ने देखा कि क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज मुझे टीओसी में यूज होगी। ये टर्मिनोलॉजीज आपके हर सिलेबस के हर पॉइंट पे आपका यूज होगा, और कहने से गाइस आप टीओसी के लास्ट लेक्चर तक के इस टर्मिनोलॉजीज का यूज करोगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत महसूस हो रही है कि काफी फास्ट लेक्चर जा रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को पॉज कर सकते हो और पॉज करके ये सारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिवीज करने के लिए बैठोगे तो इसको आप आसानी से रिवाइज कर सकते हो। बार बार आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स देखने की जरूरत ना पड़ेगी। तो इस तरीके के टर्मिनोलॉजीज को आप क्लियर रखिए, आपका ये सब्जेक्ट काफी आसान लगेगा।
और हाँ गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और इस चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि सबसे पहले अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए हमारे हर एक न्यू लेक्चर्स के बारे में तो बेल आइकॉन पे क्लिक करना इंपॉर्टेंट है। और शेयर कीजिएगा इस लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।